सिर्फ 2 दिन सूंघ लीजिए दोस्तों, 2 दिन में ही पुराने से पुराना नज़ला और एलर्जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल जादू जैसा असर करती है ये, जो नज़ले के कारण आँखों से और नाक से पानी बह रहा है बिल्कुल बंद हो जाएगा। ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, सिर्फ सूंघना है। तो फिर चलिए इस जादुई पोटली को बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने लिया है कपूर, ये वही कपूर है जो हम हवन में यूज़ करते हैं या फिर पूजा वगैरह में यूज़ करते हैं। ये देखिए इस तरह की डिब्बी मार्केट में मिल जाती है, ये पतंजलि की डिब्बी है, या फिर छोटा अलग अलग एक एक पीस भी मिलता है, एक एक दो दो रुपए का, ये बहुत सस्ती चीज़ है ये। तो ये मैंने 4 पीस कपूर के लिए हैं। इनको हम कूट लेंगे किसी कपड़े में लपेट के और कूट लें। ये देखिए इस तरह से इनको एक प्लेट में डाल लेते हैं। जो मोटे टुकड़े हों हाथ से तोड़ लेंगे, हाथ से भी आराम से टूट जाता है। और ये देखिए इस तरह से मैंने इसका चूरा बना लिया है। और ये ली है 4 इलायची। इलायची को भी आप तोड़ लीजिए या फिर कूट लीजिए, जैसे मर्जी आप इनको डालिए, लेकिन मैं यहाँ इलायची नहीं डाल रही। मेरे पास इलायची पाउडर है तो मैं इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल दूंगी। ये देखिए आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया है। और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये मैंने मिक्स कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक कोई भी कॉटन का कपड़ा लेंगे, जैसे कोई रुमाल ले लें या फिर कोई और साफ कपड़ा ले लें। और ये जो मिक्सचर हमने बनाया है कपूर और इलायची का, इसमें हम इसको बांधेंगे इस तरह डाल के और इसकी गांठ मार देंगे। ये देखिए ऐसे पोटली जैसी हम इसकी बना लेंगे। और ये देखिए इस तरह से इसकी पोटली बना ली है। ये पोटली कोई साधारण पोटली नहीं है, ये बिल्कुल जादुई पोटली है। जब आप यूज करेंगे ना तब आपको पता लगेगा। आपने इसको खाना नहीं है, ये खाने की चीज नहीं है, इसको सिर्फ सूंघना है। दिन में आप 5-7 बार इसे सूंघ लीजिए और आप देखेंगे कि आपको नज़ले से या फिर एलर्जी से या बार बार होने वाले जुकाम से जो इतनी परेशानी थी, 1-2 दिन में ही आपकी परेशानी गायब हो गई। ये बिल्कुल जादू जैसा असर करेगी। इसके साथ आप अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करना, फिर आप देखना 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। इसको हमने घर में यूज किया है, ये आज भी मैंने अपनी बेटी के लिए बनाई है। हमें तो किसी जानकार से पता लगी थी, लेकिन ये किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की बताई हुई दवा है। ये बहुत ही यूजफुल है। आप इसे घर से बाहर भी ले जा सकते हैं, जेब में डाल सकते हैं या फिर पर्स में डाल लीजिए। जब पर्स खोलेंगे ना तो इलायची की बहुत अच्छी खुशबू आएगी। ये खुशबूदार है, बदबूदार नहीं है। जब आप यूज करेंगे और आपको फायदा होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताएं या ना बताएं, लेकिन आपके मन में जरूर आएगा कि ये बड़ी अच्छी चीज मिली, काशी हमें पहले पता चल जाती। इसे यूज करके जरूर देखना, बहुत ही नॉर्मल चीज है। और जब आपको इससे फायदा हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको कितना फायदा हुआ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।